हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मोमोज के लिए रेड चटनी और व्हाइट सॉस ये दोनों ही तैयार करने वाले हैं। मोमोज का टेस्ट डिपेंड करता है कि उसकी चटनी कैसी है। आज हम बहुत ही टेस्टी टेस्टी ये दोनों ही चटनी बनाने वाले हैं। पहले हम रेड चटनी तैयार करेंगे, उसके बाद हम व्हाइट सॉस तैयार करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चार लाल मिर्च, ये फ्रेश लाल मिर्च है क्योंकि अभी सीजन है, और अगर आपके पास फ्रेश लाल मिर्च अगर नहीं है तो आप ड्राई भी ले सकते हैं। दो मैंने टमाटर लिए मीडियम साइज के और छह कली लहसुन की। आधा छोटा चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच नींबू का रस। अब हम लाल मिर्च में से सीड को अलग कर देंगे। अगर आप सूखी हुई लाल मिर्च लेते हैं यूज में तब भी बीज अलग कर दें। इसी तरह से हम सभी मिर्ची में से बीज निकाल देंगे। मिर्ची में से मैंने सीड को अलग कर दिया है। अब इनको हम बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। टमाटर के भी इसी तरह से हम पीस कर लेंगे। अब इसमें हम लहसुन भी ऐड कर देंगे और साथ ही नमक और नींबू का रस, सभी मिक्स कर देंगे। और इसमें हम एक कप पानी ऐड करेंगे। अब इसे हम बॉईल करेंगे। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद 5 मिनट लो फ्लेम पर इसे हम उबाल लेंगे। 5 मिनट लो फ्लेम पर चलाने के बाद अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और साथ ही इसे अब हम एकदम ठंडा होने देंगे। टमाटर लाल मिर्च अच्छे से ठंडे हो गए हैं, इन्हें अब हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है मैंने, एकदम स्मूथ होने तक हमें चलाना है। इस चटनी को हमें फ्राई करने की जरूरत नहीं है, इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आता है। लेकिन आप 6 से 7 दिन तक अगर इसको यूज में लेना चाहते हैं तो एक चम्मच घी आप फ्राई पैन में रखें और इसे फ्राई करके 10 से 15 मिनट तक इसे पका लें। उसके बाद मोमोज के साथ में इसका फ्लेवर ऐसे ही अच्छा आता है। रेड चटनी तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम प्रॉपर है, ना ज्यादा गाढ़ी है ना ज्यादा पतली है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। चलिए अब हम व्हाइट सॉस तैयार करते हैं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी फ्रेश गाढ़ा दही, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, एक टेबल स्पून रोस्टेड मूंगफली है, इसके मैंने छिलके हटा दिए ऊपर से क्योंकि हमें व्हाइट ही चाहिए, 2 टेबल स्पून तिल, साबुत भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मैंने इनको ग्राइंड कर रखा है, आधा छोटा चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच हम घी लेंगे, 1 छोटा चम्मच हम मलाई लेंगे। पैन में हम घी लेंगे और घी गर्म होने देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, प्याज को थोड़ा सा गलने तक हम ऐसे ही चलाएंगे। प्याज
प्याज हल्का सा भून चुका है, अब इसमें हम मूंगफली ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें हम तिल और नमक दोनों मिक्स करके अच्छे से हिलाएंगे। बस इसे हमें ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। प्याज अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें हम एक जार में निकाल लेंगे। साथ ही इसमें अब हम मलाई ऐड कर देंगे और दही भी, और इन्हें हमें 3 से 4 राउंड, जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाती, एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका नहीं आ जाता है, तब तक इसे हम ग्राइंड करेंगे। व्हाइट सॉस तैयार है, मैंने इसको 4 राउंड ग्राइंड किया है, तब जाके ऐसा स्मूथ टेक्सचर इसका आया है। कंसिस्टेंसी हमें ऐसे ही रखनी है, ना ज्यादा गाढ़ी ना ज्यादा पतली। व्हाइट सॉस को हम वैसे तो सेम डे ही बनाकर यूज में ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें हमने दही यूज में लिया है तो दही खट्टा हो जाएगा बाद में, इसलिए 1 या 2 दिन बस तब तक ही हमें यूज में लेना है। मोमोज के लिए रेड चटनी और व्हाइट सॉस दोनों बनकर तैयार है। हम रेड जो फ्रेश रेड चिली हम यूज में लेते हैं, उससे चटनी का कलर बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होता है। लेकिन मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है कि अगर आपके पास फ्रेश रेड चिली अवेलेबल नहीं है तो आप ड्राई भी यूज में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इन्हें जरूर बनाइए, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरा मोमोज की ये दोनों तरह की चटनी और सॉस बनाने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।